नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज फिर से नई अपडेट आ चुकी है जो आप लोग को दिखाते हैं। जो इससे पहले भी अपडेट आई हुई थी, जो आधार नंबर का था, जो ऑप्शन था, जो आधार नंबर हटा दिया गया था, अब फिर से आधार नंबर डाल दिया गया है। तो ये विभाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ये सेविका लोग को कि कभी हटा दिया जाता है, कभी ला दिया जाता है आधार नंबर। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें आधार नंबर फिर से इंक्लूड कर दिया गया है, मतलब फिर से आपको आधार नंबर का अपडेट आ चुका है जो इसमें आधार नंबर डालनी है। आधार नंबर इसलिए आप लोग को दिया जाता है क्योंकि इसमें जो लाभार्थी जो होते हैं, जो लाभार्थी का अगर आप लोग डालते होंगे, जो भी लाभार्थी हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन करिएगा आधार नंबर से। अगर आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जो इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन अगर आप दोबारा करते हैं तो दोबारा में ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आप लोग के पास जिसमें आधार नंबर आप लोग नहीं डाले हुए हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा फिर से, तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन फिर से हो जाएगा, जिसमें से आप लोग को 2 या 3 इस तरह से आप लोग को लाभार्थी शो करेगा। तो इसीलिए आप लोग को आधार नंबर फिर से आप लोग को अपडेट करने के लिए आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे फिर से, जिसमें हमने आपको आधार नंबर जो रजिस्ट्रेशन आधार नंबर से किस प्रकार से डालनी है, तो आपको इसके बारे में भी बताए थे। तो इस तरह से हमने आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले पोषण ट्रैक में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे गर्भवती महिला जो है, इसमें जाने के बाद आप लोग को हम एक फाइल खोल के दिखाते हैं जिसमें से हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए थे। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले एक वाला जो देखते हैं पोली देवी के नाम से यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करते हैं, प्रोफाइल अपडेट में आते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे आधार नंबर डाला था, जो इसको हमने जब आधार नंबर सबसे पहले आई थी तो हमने ये आधार नंबर डाला। और फिर से जो नया अपडेट आया था, तो हम आपको दिखाते हैं फिर से नया अपडेट वाला में, फिर से नया अपडेट वाला में शायद हम स्तनपान कराने वाली माताएं में हमने किया था, जिसमें आप लोग को यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार नंबर नहीं डाला हुआ है। तो आप लोग को यहाँ से फिर से आपको यहाँ पे कभी विभाग डाल देती है, कभी नहीं कभी हटा देती है, ये विभाग के ऊपर है। तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग के पास आधार नंबर है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आधार नंबर आप डाल सकते हैं प्रोफाइल अपडेट में जाके, और घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें कोई आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग को अगर पास आपके पास अगर आधार नंबर है तो आप लोग को क्या करना है कि आधार नंबर इसमें डाल लेना है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। क्योंकि आप लोग को अगर कहने की बात ये है कि अगर आधार नंबर आप लोग को अगर आधार नंबर आप डाल सकते हैं, तो अगर आधार नंबर से फिर से आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहिएगा तो आप लोग को जो प्रॉब्लम होती है, 2 या 3 बार जो लाभार्थी एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाती है, और उसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोग को दिक्कतें होती है कि किस प्रकार से हम रिमूव करें, क्या करें, इस तरह से आप लोग को प्रॉब्लम आती है। तो इससे आप लोग बचिएगा, और इसमें आधार नंबर जिनका है वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये आधार नंबर जो होती है जो हमेशा यूनिक कोड के साथ होता है, जो 12 अंक की होती है। तो आप लोग को क्या करनी है कि इसमें आधार नंबर अगर आपको मिल रहा है लाभार्थी से, तो आप लोग को आधार नंबर डाल लेनी है। तो वीडियो आज के लिए इतना ही था, क्योंकि आपको यहाँ पे नई अपडेट में होता है कि हमेशा जो भी आंगनबाड़ी सेविका है, आंगनबाड़ी बहना जो है, तो हमेशा हमको मतलब हमेशा मैसेज करते थे सर जो फिर से एक नई अपडेट आया है, इसको क्या करें। तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये आधार नंबर आ चुकी है। तो आप लोग को आधार नंबर है आपके पास तो आप आधार नंबर डाल सकते हैं। अगर हमारे वीडियो या कुछ भी अगर आपको हमारे वीडियो में दिक्कतें हो, या अगर आप लोग को कोई भी वीडियो में दिक्कतें आ रही है, तो आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और कीजिएगा, तभी तो हम जानेंगे, तो आप लोग को प्रॉब्लम दूर करेंगे। कमेंट हमारे वीडियो के नीचे ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक कीजिएगा तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। तो हम लोग हमेशा आप लोग के प्रति जो भी आप लोग को बताते हैं वो और भी आसानी से बताएं, क्योंकि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह से आप लोग हमको सपोर्ट करते रहिए। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आप लोग को अच्छी लगे और भी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप ही के वजह से हमने इतना जो भी हो काम या काम करने की क्षमता जो भी हो, तो इस तरह से हमने काम करने का क्षमता बढ़ाया या बता रहे हैं आप लोग के ही वजह से, क्योंकि आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए हमने इस तरह से वीडियो बना बना के आप लोग के पास पहुंचाई है। तो
फिर से इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधार नंबर ये आ गई है तो इतना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आ चुकी आया हुआ था सबसे पहले आधार नंबर डालने वाला, बीच में खाली हटा दिया गया था कि इसमें आपको आधार नंबर नहीं मांग रहा था। तो कोई दिक्कत ना है, आप लोग को अगर आधार नंबर है तो आप लोग आधार नंबर डाल सकते हैं। तो और जो आदमी अब इस वीडियो में अगर नए हैं तो किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करनी है, तो इसके बारे में आप लोग को एक झलक दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप लोग को रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लाभार्थी जोड़ना होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आप लोग को इस तरह से पेज खुल के आ जाएगी। आने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लाभार्थी का नाम, और इसके बाद इसका पति का नाम और आधार नंबर डालना है, और उसके बाद यहाँ पे जन्म का तारीख है जो इस पे यहाँ पे आप लोग को डालना है, और यहाँ पे जन्म का साल। अगर आप लोग को यहाँ पे जो डेट मंथ पता होगा तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसमें डालिए जन्म की तारीख में। अगर डेट मंथ नहीं पता है तो डायरेक्ट आप जन्म के साल में डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे में दिया गया है मोबाइल नंबर, तो आप लोग को लाभार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो बच्चे का जो डिलीवरी का डेट है, जो स्तनपान कराने वाली माता है उनका डिलीवरी कब हुआ था बच्चा का, वो जो जिस दिन बच्चा जन्म लिया था उस दिन का आप लोग को डेट डालना है, और शिशु का लिंक जो शिशु क्या कौन मेल या फीमेल जन्म लिए हैं, तो इस तरह से आप लोग को डालनी है और यहाँ पे सबमिट मार देना है। तो इसी तरह से आप लोग को ये रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें सिर्फ आप लोग को अपडेट क्या आई थी, तो इसमें फिर से यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे आधार नंबर के बारे में आप लोग को यहाँ पे दिया गया था। तो बस इतना ही था, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही, तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।